एक ऐसा प्रश्न जिसका जवाब देने से लगातार बचा जा रहा है, ना कि सिर्फ मेरे द्वारा बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी। वो अभी तक इस पर कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं कि आपके जो कट ऑफ है बीए के कब रिलीज करेंगे, पर अभी के लिए आपके लिए अपडेट ये है कि अभी आज सैटरडे, कल संडे, इन दो दिन आपने कट ऑफ का वेट बिल्कुल मत करिए। इन दो दिन आपके बीए कोर्स की जो कट ऑफ है वो नहीं आएगी, क्योंकि वैसे ही ऑफिस में उतना वर्क नहीं होता है और आपकी जो कट ऑफ है उस पर बहुत सारा वर्क हो भी नहीं पा रहा है। ऐसा कहना है बीए के कोऑर्डिनेटर का। आपकी कट ऑफ जो है वो मंडे जारी हो सकती है, सो अभी के लिए आप बिल्कुल उसके टेंशन मत लीजिए। और टेंशन आपको होगी ही, पर आपको बता दूं, आप जितना और चिंता करेंगे या सोचेंगे उसके बारे में वो आपको उतना और टेंशन होगी। और कट ऑफ का जो प्रोसेस है, ये सीक्वेंस में आगे बढ़ता रहेगा। वैसे सीक्वेंस में तो आपके 4 तक आ जानी चाहिए थी, पर अभी तक नहीं आई है। तो आज के इस वीडियो में अभी हम बात करने वाले हैं कि आपके जो बीए कोर्स की कट ऑफ है वो कब आ सकती है, और साथ ही बात करेंगे कि आपके जो क्लासेस है कब से स्टार्ट होंगी, और आपको हॉस्टल अलॉटमेंट और आपका फिजिकल वेरिफिकेशन कब तक हो सकता है। देखिए, अभी कल के डेट में फ्राइडे को मैं गया था यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, और वहां जब मैंने आपकी कट ऑफ को लेकर के पूछा तो वहां पर उनका कहना है कि आपके जो कट ऑफ है बी वाले बच्चों की, वो कट ऑफ अभी दो दिन जारी नहीं होगी, यानी कि सैटरडे संडे, क्योंकि इसमें यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में ऑफिस वर्क काफी लिमिटेड होता है। तो आपकी जो कट ऑफ है बीए की वो मंडे को आएगी। सो अभी दो दिन के लिए बिल्कुल परेशान मत होइए, आप अभी सैटरडे संडे अपनी कट ऑफ का वेट मत करिए, क्योंकि जितना आप वेट करेंगे उतना आपको और परेशानी होगी, उतना और दुख होगा कि कट ऑफ क्यों नहीं आ रही है। और बाकी सारे जो कोर्सेज है उनकी कट ऑफ आ चुकी है, और कट ऑफ जो है वो एक प्रोसेस वाइज सीक्वेंस में आती है। सो आपकी जो कट ऑफ है बी वालों की, जब वो आना शुरू हो जाएगी तो उसके बाद लगातार आती रहेगी। सो अभी के लिए आप कट ऑफ को लेकर के सैटरडे संडे पैनिक मत होइए, आपकी कट ऑफ है मंडे को आ जाएगी। अगर बात करें आपके क्लासेस की, आपके हॉस्टल अलॉटमेंट की, आपके फिजिकल वेरिफिकेशन की, तो वो जो काम है वो भी एक प्रोसेस में है, पर ये बात तो स्पष्ट है कि आपका जो सेशन है वो डिले हो रहा है और डिले होता रहेगा, कट ऑफ जितनी डिले होगी। ये बात अभी बीए की हो गई। अगर हम बात करें बाकी सारे कोर्सेज की भी, तो उनका जो फिजिकल वेरिफिकेशन है, देखिए आपका कोई भी कोर्स हो, बीकॉम, बीएससी मैथ, बीएससी बायोलॉजी, बीएलएलबी, बीए, आपका कोई भी कोर्स हो, जब आपके सब्जेक्ट में पूरी काउंसलिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद कहीं पर जाकर वो डेट निकालेंगे, एक नोटिस रिलीज होगी आपके सब्जेक्ट में फिजिकल वेरिफिकेशन की। और जब आपका जो फिजिकल वेरिफिकेशन है उसकी जो डेट आ जाएगी उसके बाद कहीं पर जाकर के वो आपके क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। सो आपका जो काउंसलिंग है उसके कंप्लीट होते ही आपकी डेट आएगी फिजिकल वेरिफिकेशन की, उसके 2-3 दिन बाद ही आपकी जो क्लासेस हैं स्टार्ट हो जाएंगी, या उसके साथ ही आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट कर दी जाएंगी। और जबकि क्लासेस हैं उनके स्टार्ट होने के लगभग 20 दिन बाद आपके जो हॉस्टल अलॉटमेंट का प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। सो आपके जो क्लासेस हैं उसको स्टार्ट हुए 20 दिन होंगे, तो आपका जो हॉस्टल अलॉटमेंट है वो होगा। पर अगर हम बात करें तो अभी के लिए आपका जो क्लासेस है, जो हॉस्टल अलॉटमेंट है, बहुत दूर लग रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो प्रोसेस है वो बहुत डिले हो रहा है, और मेनली जो बच्चे बीए वाले हैं उनके लिए। पर अगर हम एक और देखें पॉजिटिव साइड, तो अब आपके जो बाकी संगठक महाविद्यालय हैं उनके जो कट ऑफ है वो भी आना शुरू हो गई है, तो प्रोसेस में बहुत टाइम नहीं लगेगा। और जो बच्चे पीजी वाले हैं उनका जो हॉस्टल अलॉटमेंट है वो लगभग 15 से 20 सितंबर की तारीख तक हो जाएगा, और उसका जो नोटिस है वो लग जाएगा डीएसडब्ल्यू ऑफिस के सामने। आप वहां से चेक कर सकते हैं कि आपको हॉस्टल मिला कि नहीं मिला। और बाकी जो बच्चे यूजी वाले हैं उनके जो प्रोसेस है हॉस्टल का, अभी बहुत टाइम है, और अभी आपका जो काउंसलिंग चल रहा है बीए की कट ऑफ मंडे को आएगी, मंडे को वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बाकी सारी अपडेट्स के लिए बने रहें चैनल पे, और अगर नए चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके ऊपर सारी अपडेट समय से दी जा रही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।